गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है, अभिनंदन है राकेश टू एक्सप्लोर के नए ब्लॉग में। आज हम लोग जा रहे हैं मसोबरा। ये शिमला से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, तो करीब 9 बजे हम लोग निकल जाएंगे। तो चलो चलते हैं अब और मिलेंगे रोड पे, जो भी होगा आपको दिखाते हुए चलेंगे। निकल गए हम लोग मसोबरा के लिए और 140 किलोमीटर करीब है ये। उम्मीद है कि 1.5-2 के बीच में हम लोग वहाँ पहुँचे। हो सकता है कि देर भी हो जाए, क्योंकि रास्ते में हम लोग आराम से रुकते हुए खाते पीते चलेंगे। तो अभी जस्ट निकले हैं और ये हमारे घर से बाहर जो रोड है, हाईवे नया बना है, उस पर है अभी। और यहाँ से हम लोग चंडीगढ़ होते हुए सोलन वाला रास्ता लेंगे और सोलन से फिर शिमला, शिमला से मसोबरा, जो कि 12 किलोमीटर करीब शिमला से ऊपर है। 40 मिनट हो गए अभी तक चंडीगढ़ में ही घूम रहे हैं। 5 मिनट और लगेगा सोलन वाले हाईवे में, 5 या 10 मिनट, तब भी थोड़ा सा स्मूथ होगी ड्राइविंग। अभी तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, अभी ऑफिस आवर है इसलिए ट्रैफिक भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी हम लोग पंचकूला आ गए, पंचकूला शिमला रोड पे हैं, लेकिन ट्रैफिक अभी तक ऐसे ही है, कम नहीं हुआ है। जब तक ट्रैफिक कम नहीं होगा तब तक हम मेकअप नहीं कर पाएंगे अपने स्पीड को। चलिए देखते हैं कब तक ट्रैफिक मिलता है। इस रास्ते का पहला टोल प्लाजा और यहाँ से अभी करीब 3.5 घंटे का रास्ता और है। 1.5-2 बजे उम्मीद है पहुंच जाएंगे। चलो भाई, जिस रास्ते में लगते हैं वहीं लगते हैं। तो साइड वाला भी गिर, फिर आगे निकलेंगे। घुमावदार रोड, सामने पहाड़, टेम्परेचर भी अगर देखे तो चंडीगढ़ से कम हो गया। चंडीगढ़ में था 39, यहाँ पे 32,
यहाँ पे एचपी का इंटरेस्ट फीस देना है आई थिंक 40 या 60 रुपया लगेगा। कितना देना है भैया? ओ भैया कितना देना है? सोलन में रुके थे, यहाँ पे एक अच्छा जॉइंट है जो केएफसी है, पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा है, साउथ इंडियन है, तो हम लोगों ने इडली, मैंने तो इडली लिया और कॉफ़ी, और अब यहाँ निकलेंगे। कोई नहीं
सोलन से हम गुजर रहे हैं, अभी भी दो घंटा दिखा रहा है गूगल कि दो घंटा लगेगा हमारा जो होटल बुकिंग है वहाँ पहुँचने में।
फाइनली हम लोग अपने प्रॉपर्टी में आ गए। ये होम स्टे है, काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें 3 बेडरूम है, डाइनिंग हॉल है, किचन है, ड्राइंग रूम है। तो आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए। ये सिटिंग एरिया, ये डाइनिंग एरिया, ये किचन, माइक्रोवेव वगैरह सब कुछ है। गैस भी प्रोवाइड किया हुआ है, बड़ा सा फ्रिज,
खाना बनाने के लिए यूटेंसिल्स वगैरह इस अलमीरा के अंदर है। ये एक बड़ा सा बेडरूम, ये इसका टॉयलेट काफी अच्छा, नीट एंड क्लीन। ये सेकेंड बेडरूम, कपबोर्ड्स, बड़ा सा टीवी, ये बाहर का सीनरी। अभी थोड़ा कुहासा है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, उतना साफ नहीं है, अदरवाइज अगर धूप निकल जाए तो मजा आ जाए। ये इसका टॉयलेट, और ये है थर्ड रूम। ये है इसका टॉयलेट। ये है इसका बड़ा सा बालकनी। और बालकनी से आप देखिए व्यू, क्या मज़ेदार व्यू है। अभी करीब दोपहर का 3:30 बज रहा है, अब खाना खाते हैं और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।